हेलो फ्रेंड्स मैं हूं समोर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है पांच कार्ड तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज पांच कार्ड यानी पांच कार्ड क्या है पांच कार्ड्स आर स्टीप पेपर कार्ड्स, कार्ड्सर होल्स में भी पांचड बाई हैंड और मशीन टू रिप्रेजेंट कंप्यूटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन यानी पांच कार्ड एक कठोर पेपर कार्ड है जो कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पेपर में हाथों से या मशीन से पांच करके होल किया जाता है तो उस पेपर में जहाँ जहाँ होल होता है वहाँ पर डाटा स्टोर रहता है तो ये होता है एक पांच कार्ड जिसमें हाथों से या इस मशीन द्वारा होल किया जाता है दे वे आर ए वाइडली यूज मीन्स ऑफ इनपुटिंग डाटा इन टू अर्ली कंप्यूटर्स यानी पांच कार्ड को अर्ली कंप्यूटर्स में डाटा इनपुट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज किया गया था पांच कार्ड इज ए इनपुट डिवाइस एंड ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस यानी पांच कार्ड इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है द पांच कार्ड्स वेयर फिट इन टू ए पांच कार्ड रीडर कनेक्ट टू ए कंप्यूटर हुई कन्वर्टेड द सिक्वेंस ऑफ होल्स टू डिजिटल इंफॉर्मेशन यानी पांच कार्ड कंप्यूटर में जुड़े हुए पांच कार्ड रीडर में फिट होता है उसके बाद उसमें जो होल है उस होल की सीक्वेंस डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है हारमैन हॉले इन्वेंटेड द पांच कार्ड हेन्स इट इज ऑल्सो नोन एज हॉले कार्ड यानी हारमैन हॉले ने पांच कार्ड को इन्वेंट किया है इसलिए इसे हॉले कार्ड से भी जाना जाता है एंड द पांच कार्ड वॉच इट एडोप्ट बाई आई बी एम सो इट इज कॉल्ड आई बी एम कार्ड और पांच कार्ड को आई बी एम ने ग्रहण किया था इसलिए इसे आई कार्ड भी कहा जाता है तो ये था पांच कार्ड क्या है उसके बाद अगला क्वेश्चन एडवांटेज ऑफ पांच कार्ड यानी पांच कार्ड की क्या क्या एडवांटेज है तो पहला पॉइंट है प्रोवाइड डाटा इनपुट इन टू द सी पी यू यानी सी पी यू से इनपुट डाटा को प्रोवाइड करते हैं उसके बाद अगला पॉइंट प्रोवाइड सेकेंडरी ऑफलाइन स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन यानी पाँच कार्ड डाटा और इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है उसे ऑफलाइन प्रोवाइड कर सकता है उसके बाद अगला पॉइंट रिसीव इन्फॉर्मेशन आउटपुट फ्रॉम द सी पी यू यानी सी पी यू से इंफॉर्मेशन आउटपुट रिसीव कर सकता है तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ पांच कार्ड उसके बाद अगला क्वेश्चन डिसएडवांटेज ऑफ पांच कार्ड यानी पांच कार्ड के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं पहला पॉइंट है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कार्ड्स आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल यानी बड़े मात्रा में जो पांच कार्ड होता है उसे कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है उसके बाद अगला पॉइंट मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ मेनी कार्ड डिवाइस कॉज फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स यानी कुछ कार्ड डिवाइस में जो मैकेनिकल पार्ट्स होता है वो बार बार टूट जाता है उसके बाद अगला पॉइंट लो स्पीड ऑफ कार्ड रीडर एंड पाँच डिवाइस यानी जो कार्ड रीडर और पाँच डिवाइस है वो धीमी गति से काम करता है उसके बाद अगला पॉइंट इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कार्ड फॉर्मेट यानी जो कार्ड फॉर्मेट होता है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है उसके बाद अगला पॉइंट कार्ड्स आर नॉट रीयूजेबल यानी पाँच कार्ड को री नहीं किया जा सकता तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ पाँच कार्ड तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है जाना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट right वाली वीडियो पर क्लिक करना और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना